नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा साइट जो है कंप्लीट हो गया और जो है हम यहाँ से दूसरे जगह क्रेन लेके जाएंगे और जो है आज का प्लानिंग है सब सामान जो है दूसरे साइड पे शिफ्टिंग कर देंगे और क्रेन भी लोडिंग करके लेके जाना है। और आज आज जो है आप लोग को हम दिखाने वाले हैं क्रेन कैसे लोडिंग होगा और जो है सामान सब जो है टेलर पे लोडिंग कैसे किया जाता है और एक दूसरे साइड से शिफ्टिंग होगा। और खैर जो है हमारा दूसरा साइड ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 2 किलोमीटर है, पर जो है शिफ्टिंग करने के लिए तो मार्चिंग करके 2 किलोमीटर जाया नहीं सकता, इसलिए जो है टेलर से सब शिफ्टिंग किया जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं हमारा क्रेन है और पूरे तरह से डिसमेंटल हो चुका है, पूरा खोल दिया गया है और देखने में कितना छोटा लग रहा है कि आप देख सकते हैं। इसके पहले जो है इसका साइज बहुत बड़ा था, अभी तो चैन भी अंदर हो गया है और आप लोग को हम डिसमेंटल करते हुए जो है वीडियो नहीं बना पाए हैं और कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम डिसमेंटल करेंगे तो आप लोग को हम दिखाएंगे और बढ़िया से दिखाएंगे और सिखाएंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पूरा क्रेन है, क्रेन जो है पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा छोटा सा क्रेन दिख रहा है, अभी ऐसे मालूम नहीं चल रहा है कि ये क्रेन से यहाँ पे काम हुआ है, यहाँ क्रेन जो है बहुत छोटा हो चुका है अभी दिखने में लग रहा है ऐसा। और हाँ जो है पूरा प्लानिंग है क्रेन जो है लोड कर देना है, शिफ्टिंग कर देना है और टेलर कुछ समय में यहाँ पे आएगा और जो है हाइड्रा भी रेडी है लोडिंग करने के लिए। और ये हमारा हुक है, यहाँ पे हुक है और टॉप बूम भी है, सब 2-3 काउंटर वेट है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी लिखा है SWL सेफ वर्किंग लोड, मतलब इसका जो है कैपेसिटी है 80 टन का। और यहाँ पे देख सकते हैं आप हमारा टॉप बूम है, इसमें आगे सिंगल पुली आप देख सकते हैं, इसको रनर पुली बोलते हैं। और हम लोग लोड कर दिए हैं, एक काउंटर वेट एक बूम लोड कर दिए हैं और देखिए साइड से निकल गया है, दूसरे साइड पे जाएगा, उसके बाद फिर जो है लोडिंग करके फिर आएगा, फिर लेके जाएगा और सामान। अभी बहुत सारे सामान यहाँ पे है, कम से कम 3 चक्कर लगाना पड़ेगा। और दूसरा हम लोग लोडिंग कर रहे हैं, इसमें जो है 2 काउंटर वेट डाल दिए हैं, एक टॉप बूम डाल दिए हैं, टॉप बूम यहाँ से देखिए लोडिंग होके कंप्लीट होके ये भी यहाँ से निकल गया है दूसरे साइड के लिए। अब जो है हम पूरा सामान जो है दूसरे साइड पे शिफ्टिंग कर देंगे और कोशिश करेंगे आप लोग को हम ट्रेन को मार्चिंग करते समय और लोडिंग करते समय आप लोग को हम दिखाएंगे। जेसीबी को बुला दिया गया है यहाँ पे, जेसीबी जो है रास्ता बना रहा है, पूरा अच्छा से लेवल करेगा क्योंकि जो है हाइट है, देखने में उतना हाइट नहीं लग रहा लेकिन जो है यहाँ बहुत बहुत हाइट है। और यहाँ पे टेलर लगा हुआ देख सकते हैं आप, दो भी टेलर आके यहाँ पे लगाए हैं, इस पर क्रेन लोडिंग होगा और अच्छा से यहाँ पे जो है लेवल कर दिया जाएगा क्योंकि क्रेन को चढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। जेसीबी जो है अच्छे से मार्चिंग कर रहा है क्रेन को भी लोडिंग कर दिए हैं, रात हो गया है हम लोग को करते करते। और आप लोग को तो हम लोडिंग करते समय नहीं दिखा पाए क्योंकि अभी ये सब हमारे पास कोई था नहीं कि वीडियो बना पाए। और यहाँ पे लोडिंग हो गया और चैन से जो है इसको बांधा जा रहा है क्योंकि भारी है, यहाँ का रास्ता थोड़ा अच्छा नहीं है इसलिए अच्छे से बांधा जाएगा, उसके बाद शिफ्टिंग किया जाएगा। ऐसे भी ज़्यादा नहीं है, 2 किलोमीटर है, खैर अच्छा से बांध दिया जाएगा कि स्लिप ना हो। थोड़ा चैन भी हमारा बाहर है थोड़ा, इसलिए रिक्स है, थोड़ा अच्छा से बांध दिया जाएगा, शिफ्टिंग होगा, उसके बाद आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे भी, लाइव वीडियो दिखाएंगे, हो सकता है हमसे ले लिया वीडियो, वीडियो नहीं हो सकेगा तो और वीडियो ज़रूर दिखाएंगे आप लोग को हम शिफ्टिंग होते। टेलर पूरा रेडी है यहाँ से जाने के लिए, पूरा कंप्लीट हो गया हो चुका है और हम लोग कुछ समय में यहाँ से शिफ्टिंग करेंगे।
देख सकते हैं सब लोग सिग्नल दे रहे हैं यहाँ पे, और टेंडर को यहाँ से निकाला जा रहा है। थोड़ा सा जो है लोडिंग करने के बाद में क्रेन जो है दब गया है, मतलब क्रेन ज़्यादा लोड है तो टायर उसका दब गया है। उसके बाद जो जिस भी धक्का मारा जा रहा है धक्का मार के उसको निकला जाएगा। आप देख सकते हैं पूरा धक्का राजा पूरा जोर लगा रहा है यहाँ से, निकल जाए और निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगा। उसके बाद शिफ्टिंग भी किया जाएगा। और आप लोग को हम अगली वीडियो में, वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा इसलिए आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे ट्रेन शिफ्टिंग होते समय। थैंक यू सो मच।